तो दोस्तों आज के ही दिन बजाज कंपनी की तरफ से दो उनका न्यू बाइक्स लॉन्च होने वाला है। और ये जो दोनों बाइक्स है ना, तो इनमें से एक है बजाज पल्सर एनएस 200 और एक है एनएस 160। और ये जो दोनों ही मॉडल है ना, तो ये दोनों के ही अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलने वाला है सामने। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना, क्योंकि आज के ही इसी वीडियो के अंदर हम लोग इन दोनों ही बाइक्स के बारे में जानने वाले हैं कि इनके अंदर हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिल रहा है। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो वैसे भाई वीडियो तो मैंने सुबह अपलोड कर दिया, लेकिन हाँ ये जो दोनों बाइक्स है ना, तो ये भी लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में, वो भी आज के ही दिन। और वैसे ये जो दोनों बाइक है ना, तो इनमें से पहले हम लोग बात करने वाले हैं बजाज पल्सर एनएस 200 के बारे में, वो भी न्यू जनरेशन वाले मॉडल के ही बारे में। तो देखो दोस्तों, असल में ये जो बजाज पल्सर एनएस 200 वाला मॉडल है ना, मतलब ये न्यू जनरेशन वाला, तो इसके अंदर हमें कई सारे कुछ चीजें न्यू तो देखने को मिल रहा है, लेकिन मेन जो दो चीज अभी हाईलाइट हुआ है ना, तो वो है इसका ये सामने यूएसडी सस्पेंशन सेटअप, और उसके ही साथ साथ इसी बाइक के अंदर दिया हुआ ये न्यू मीटर कंसोल, जिसके अंदर वो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर जो है, तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखें एक और चीज की तरफ, तो वो है इस वाले बाइक के अंदर दिया हुआ न्यू एमिशन सेटअप। और ये जो न्यू एमिशन नॉर्म्स है ना, तो उसके वजह से ये जो बाइक है, तो ये भी BS7 के अंदर है। और इसके अलावा इसी बाइक के अंदर एक न्यू कलर स्कीम भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि देख ही सकते होंगे ये व्हाइट कलर के अंदर है, और इसके अंदर आपको ग्रे कलर और रेड कलर का जो स्टिकरिंग है, तो वो देखने को मिल रहा है। वैसे इसी वीडियो के अंदर अगर मैं सारा का सारा कलर ऑप्शन के बारे में मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। तो इसी वजह से मेन चीजों पे आते हैं, मतलब कि पहले तो देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक के अंदर ये सस्पेंशन सेटअप और मीटर कंसोल के अलावा, मतलब ये न्यू सेमी डिजिटल वाले मीटर कंसोल के अलावा और ऐसा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि पहले की तरह ही हेडलाइट का जो सेटअप है, तो वो हैलोजन में है और टर्न इंडिकेटर्स बल्ब में है, मतलब हैलोजन वाले। और उसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको पहले की तरह ही जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, तो वो भी डुअल चैनल ABS ही देखने को मिल रहा है ये डिस्क ब्रेक के साथ में। और इसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको पहले की तरह ही एक इंजन देखने को मिल रहा है, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वाला, जो कि 200 cc वाला है। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है ना, तो वो है 24.1 bhp। पर ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 19 Nm। बाकी 6 speed का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा इसी इंजन के साथ। और उसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर आपको पहले की तरह ही पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिल रहा है सस्पेंशन सेटअप में। और उसके ही साथ इस वाले बाइक के अंदर और कुछ ऐसा चेंजेस हुए नहीं है। और इसके अलावा और एक जो बाइक है ना, तो वो है बजाज पल्सर एनएस 160। और ये जो न्यू जनरेशन वाला एनएस 160 है ना, तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा सामने यूएसडी फोक्स, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और इसके अलावा इस वाले बाइक का जो ये कलर ऑप्शन है, ये कलर ऑप्शन भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मतलब ये ब्लैक कलर के ही अंदर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मतलब ये कलर ऑप्शन के अलावा, तो भाई इस वाले बाइक के भी अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिल रहा है, तो उसमें भी आपको एक गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर देखने को मिल रहा है ये सेमी डिजिटल वाले ही, मतलब ये सेटअप के अंदर, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और उसके ही साथ साथ इस वाले मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा डुअल चैनल ABS का सपोर्ट ब्रेकिंग सिस्टम में, मतलब डिस्क ब्रेक के साथ में। और उसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के भी अंदर, जैसे कि देख ही सकते होंगे, पहले की तरह ही देखने को मिल रहा है पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। बाकी तो भाई इस वाले बाइक में भी आपको जो इंजन देखने को मिलेगा, तो ये एक ऑयल कूल वाला इंजन है 160 cc वाला, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो है 15 Nm। और उसके ही साथ साथ भाई 5 speed का आपको गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। बाकी इस वाले बाइक में आपको देखने को मिलने वाला है और एक जो चीज ना, तो वो है BS6 version 2 या फिर BS7 वाला जो एमिशन नॉर्म्स है, तो वही के ही साथ ये न्यू इंजन और ऐसा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि पहले की तरह ही हेडलाइट का जो सेटअप है, तो वो हैलोजन में है और टर्न इंडिकेटर्स बल्ब में है, मतलब हैलोजन वाले। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।